राजधानी रांची के मोराबादी स्थित आवासीय परिसर में कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से जेपीएससी और जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले का राज्य सरकार के द्वारा भंडाफोड़ करने की बात कही। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंटु किसी ने कहा कि झारखंड में अनेक परीक्षा केंद्रों में कथित रूप से झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक की घटना या फिर ऐसी खबरें पूरी तरीके से एक सुनियोजित आपराधिक साजिश है। कुछ सप्ताह पूर्व भी जेएसएससी का प्रश्न पत्र लीक हुआ था और उसे मामले पर भी सरकार तेजी से कार्रवाई करते हुए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। ऐसी घटना से एक और झारखंड के लाखों छात्र छात्राओं युवाओं का भविष्य बर्बाद करने की साजिश होती है, वहीं दूसरी ओर झारखंड की छवि भी धूमिल हो रही है। हमारे इस झारखंड प्रदेश में जेपीएससी और जेएसएससी का जो क्वेश्चन लीक का मामला कल से लगातार, कल एग्जाम था और आज के अखबार में भी आप सभी लोगों ने देखा, इसमें ये तमाम मामला को अभी तक, हालांकि कल का जो एग्जाम हुआ है उसका अधिकृत रूप से पुष्टि नहीं हो पाया है कि क्वेश्चन लीक हुआ है, लेकिन ये जेएसएससी का मामला उसकी तो पुष्टि हो चुकी थी और ये जी भी मामला आया तो इसका राज्य सरकार को भंडाफोड़ राज्य सरकार को करना चाहिए। इस प्रदेश के लोग, झारखंड के आदिवासी और मूलवासी, यहाँ की संस्कृति और वो जानते भी नहीं है, यहाँ के लोग भोले भाले जो झारखंड के लोग हैं, कि क्वेश्चन क्या लीक होता है, क्या आउट होता है, उसको जानकारी यहाँ के लोगों को नहीं है। लेकिन आपका यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश का एक गैंग है यहाँ पर और इन्हीं गैंग के द्वारा जो आपका इस तरह का कारनामा उनके द्वारा किया जा रहा है और इस तरह से करके राज्य सरकार को उसका छवि धूमिल करने और राज्य का छवि भी धूमिल करने का, एक तरफ से कहा जाए इसमें कुछ राजनीतिक शक्ति भी लगी हुई है और इसीलिए इस पर राज्य सरकार को गंभीरता से, जो आपका विधानसभा के द्वारा जो कानून पास हुआ किया गया क्वेश्चन लीक के मामले में, उसको जल्द से जल्द राज्य सरकार को लागू करना चाहिए। और जो भी लोग इस पर पकड़े जाएंगे उसको कठोर से कठोर उसको सजा दी जानी चाहिए। ये जो गैंग है इनका, ये विशेषकर यहां पर समय समय पर कभी पीआईएल कर देता है, कभी कोर्ट में चला जाता है, कभी परिणाम आने पर कोर्ट में जाता है, कभी परीक्षा के पहले चले जाता है और नियुक्ति की प्रक्रिया को, जो सरकार नियुक्ति करने की दिशा में कार्य करती है, उसको बाधा उत्पन्न करती है। और यही गैंग आपका अनुबंध में बहाल भी कर देता है तरीके से, जगह हर एक विभाग में उसको बहाल कर दिया जाता है और यही लोग फिर दो साल तीन साल के बाद कोर्ट भी चले जाते हैं और उसको पूरा रेगुलर करने की दिशा में कोर्ट निर्णय भी, कोर्ट के द्वारा निर्णय भी हो जाता है, पूरा इसका लाभ भी ले जाते हैं। ना रोस्टर का पालन होता है, ना आरक्षण का पालन होता है। तो आज विशेषकर हमारा जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब, ये जो गैंग जो है, जो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की तमाम चीज़ों को भी समाप्त करने का प्रयास कर रही है और ये एक तरफ से ये मामला लाखों छात्र छात्राओं, बेरोजगारों को एक तरफ से जघन्य हत्या की तरह है उनका, उनके साथ में ये बहुत ही बिल्कुल, जिसको कहा जाए, इसको जितनी भत्सना किया जाए इससे इतना नुकसान होगा आने वाले दिन में राज को, ये आप इसका कल्पना नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, आसू जैसे लोग बयानबाजी इस पर कर रहे हैं,
आप इन चीजों को आप राजनीतिक रूप से आप पूरा, इसका मतलब आप राजनीतिक रूप से इसको दे करके आप अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ आप ले, लेकिन इन चीजों को आपको इसके संबंध में छात्र छात्राओं के हित में केवल आप ये कह करके आप बच नहीं सकते हैं कि छात्र छात्राओं के साथ अन्याय हो रहा है, छात्र छात्राओं के साथ में आपका उनके साथ में गलत हो रहा है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह से करके एक तरफ से नैरेटिव सेट करती है और राज्य में इस तरह का लोगों के बीच में आपका वातावरण बनाना चाहती है कि राज्य सरकार के द्वारा ही इस तरह हो रहा है। तब है बात क्या कि सरकार के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती है अविलंब बिना विलंब किए, चूंकि इससे भी बड़ा काम और कुछ नहीं है, राज्य सरकार को जल्द से जल्द कोई भी जांच एजेंसी के द्वारा जांच कराए और ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई उस पर की जानी चाहिए। बाकी सरकार कह रही है कि बिहार में हो रहा है पेपर लीक, यूपी में हो रहा है, वहां की मांग हो रही है, तो दो बातें हो गई। अविनाश जी मैंने आपको कहा एक चीज को समझने का, आप प्रयास करिए, ये झारखंड प्रदेश यहाँ के जो लोगों का डीएनए में, यहाँ के लोगों को चाहे आदिवासी और मूलवासी में, इस तरह का लूट छल प्रपंच नहीं है और इस तरह का काम सिर्फ और सिर्फ दूसरे प्रदेश के लोग पैसा देकर नौकरी करना, क्वेश्चन लीक आउट करना, इस तरह का पूरा उनका एक गैंग है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। मैं इसलिए इस बात मैं पूरा मैं करने दीजिए, पूरा मेरी बात समझे, और यहाँ की जो संस्कृति को इस तरह से करके पूरा ये जो वातावरण करने का काम करे, इसी के बारे में कह रहा हूँ कि राज्य सरकार के पास इससे बड़ा काम और कुछ नहीं है। लाखों लाख छात्र बेरोजगारों का जघन्य हत्या की तरह है उनका, ये राज क्या होगा इसको आप खुद बाय खुद अनुमान लगा सकते हैं आप लोग। इसलिए राज्य सरकार को बिल्कुल प्राथमिकता के साथ सारा काम काज को छोड़कर इस काम में करा करके जो गैंग है वैसे लोगों पर पूरा उनको खोज निकालना चाहिए और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, जरूरत पड़ने पर बिल्कुल कराना चाहिए। कह रहा हूं ना मैं इसके बारे में कि आप भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जो लोग बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ, सरकार का छवि खराब कराना चाहते हैं और ये लोग इसको आपका एक तरफ से कहा जाए उनको हम अवसर देते हैं, तो राज्य सरकार को बड़ा से बड़ा स्टेप लेने के लिए हिचकना नहीं चाहिए। सवाल ये है दादा, आपकी अधिकारी आपके, मैं देखिए यहाँ पर कुछ जैसा एजेंसी से मैंने कहा अभी लीक, कल जेपीएससी का लीक हुआ है कि नहीं हुआ ये पुष्टि नहीं हुई है, अधिकृत रूप से पुष्टि नहीं हुई है। हाँ जेसीसी का हुआ है लेकिन उसका भी जांच आपका जिस गति से चल रहा है उस गति से भी हम संतुष्ट नहीं है, इसको भी सरकार को देखना चाहिए। मैं इसी के संबंध में कह रहा हूँ करिश्मा जी कि ये तमाम चीजों को लेकर के सरकार को आप चुप नहीं रहना है, सारे काम काज को छोड़ करके इसी पर, चूंकि लाखों छात्र छात्राओं बेरोजगार युवाओं का सवाल है इसलिए इस पर इसका भंडाफोड़ सरकार को करनी चाहिए और अपना स्पष्ट करना चाहिए अपना। अभी तो सरकार में है राजकुमार जी, सरकार में हम है, सरकार हमें है रहने से क्या गलत हो रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल गलत तो गलत है, जो गलत है गलत अब है कि ये कौन है, ये गैंग कौन है इसको स्पष्ट करना चाहिए ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी साफ नजर आ गए कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। इसके लिए बिना विलंब के राज्य सरकार को बिल्कुल इस पर सख्ती से जो जल्द से जल्द हो वो एजेंसी को दे करके जांच कराना चाहिए। क्यों 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 सरकार ऐसा है कि जिस तरह से राज्य के नौजवानों युवाओं के साथ नुकसान हो रहा है तो हम राज्य सरकार से मांग करेंगे नहीं करेंगे, उसको करनी ही चाहिए सरकार को। और मैं एक बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए, यहाँ की संस्कृति को आप समझिए, यहाँ जानते हैं ना, मैं एक उदाहरण दूंगा उसको आप समझो, यहाँ के लोग गांव में खैनी बनाते हैं ना तो चारों अगल बगल के लोगों को बांट के खा देता है, बात को समझिए,
यहाँ का संस्कृति में ये लीक शब्द को जानता ही नहीं है। मैं आज भी मैं बता रहा हूँ, मैं डियर गांव में जाके पूछेगा तो लोग आज भी हेमंत सोरेन कोई मुख्यमंत्री बता रहे हैं आपको गांव में, मैं जेल गया इसको नहीं जा। मैं मेरी बात को समझिए, आप यहाँ पर इस राज को जिस संस्कृति परंपरा जो राज जिस तरह का राज है उस राज में कुछ लोग आपका कुछ क्या माने, आप जान रहे पूरा यूपी बिहार के लोग जहाँ पर पहले होता था वो आ करके उनका गैंग यहाँ के लोगों के साथ मिल करके जो कर रहा है ये खतरनाक है इस राज के लिए। इसलिए राज्य सरकार के लिए भी चुनौती है कि राज्य सरकार को इस पर अगर उच्च स्तरीय भी जांच करना चाहिए तो हिचकना नहीं चाहिए, साच को आज क्या है। बिल्कुल मैं लेटर लिखूंगा और हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े राष्ट्रीय नेताओं से बात करूंगा, बिल्कुल इस पर लिखना चाहिए और इस पर आगे की कार्रवाई के लिए कोई किंतु परंतु नहीं। अब जो भी जितना बड़ा पद हो कोई भी आदमी हो उसके किसी भी तरह से उसको हो उसको उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी बता दीजिए आपकी जो सरकार है अभी जो बीजेपी का नियुक्ति हुआ उसमें बीजेपी के लिए कई सीटों को बेचा गया है। देखिए उनका आप एक बात मैं कह रहा हूँ आप ठीक बोले, बीजेपी वालों को और कुछ नहीं, वो राज्य के हित में नहीं सोचता है, वो खाली वोट के बारे में भेरा में सोचता है। उसको आपके पास अगर बेचा गया यू हैव प्रूफ देन यू बताओ, आप पब्लिक करो उसको, बोलने में किसने रोका है उसको। बीजेपी को केवल वोट का गणित आता है, यहाँ की संस्कृति यहाँ की परंपरा यहाँ का लोगों के बारे आदिवासी उसके बारे में बीजेपी को चिंता नहीं है। बीजेपी का चिंता हम लोग जैसे लोग करते हैं, हम लोग जैसे करते हैं यहाँ का लोगों का। हाँ क्या क्या नहीं आप नहीं बताइए और एक बार। देखिए मैंने बहुत चीज़ों को कहते में बहुत चीज़ों सरकार को मैंने कह दिया है, सरकार को इन चीज़ों में ध्यान देना है क्योंकि लाखों युवाओं का सवाल है। ये जो अनुबंध वाला मामला बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं सारे वही लोग बैठे हुए हैं पूरा, और तरीके से पूरे चीज़ों में अनुबंध पर लोगों को बहाली करा करके समय समय पर बिना रोस्टर पालन किए बिना आरक्षण का पालन किए इस तरह का चीज़ों को वो लोग उसको आपको अमली जमा पाए लाने के काम करते हैं।